जिलाधिकारी संजीव कुमार ने बच्चों को कुपोषण से मुक्ति तथा उन्हें विभिन्न पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस क्रम में उन्होंने बुधवार को आरा सदर प्रखंड के बाल विकास परियोजना के तहत नाजिरगंज वार्ड नंबर 27 में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 32 पर बच्चों को दूध पिलाया। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को अब भोजन के साथ दूध भी पीने को मिलेगा। इसकी शुरुआत आज से आरंभ हुई है। जिलाधिकारी संजीव कुमार ने बच्चों को कुपोषण से मुक्ति तथा विभिन्न पोषक तत्वों से परिपूर्ण आहार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस क्रम में उन्होंने बुधवार को आरा सदर प्रखंड के बाल विकास परियोजना के तहत नाजिरगंज वार्ड संख्या 27 की आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 32 पर बच्चों को दूध पिलाया। उल्लेखनीय कि समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रत्येक बुधवार को बच्चों को 150 ml का दूध देना है। इसके लिए प्रावधान किया गया है कि 18 ग्राम सुधा मिल्क पाउडर को 150 ml साफ पानी में घोलकर केंद्र पर स्कूल के पूर्व 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के पंजीकृत बच्चों को दूध पिलाना है। यह मिल्क पाउडर में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, डी आदि पोषक तत्व से युक्त है। इस अवसर पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी प्रमोद कुमार, DPO, ISDS रश्मि चौधरी, कई CDPO महिला परीक्षिका तथा सहायिका सेविका उपस्थित थी। चला जाता है और सर क्योंकि हम लोग के यहाँ दिसंबर से होना था लेकिन हड़ताल की वजह से ये शुरू नहीं हो पाया और आज पहला बुधवार है। प्रत्येक प्रखंड में इसको आज शुरू किया जा रहा है। हम लोगों ने चाहा सर से रिक्वेस्ट किया, सर ने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। एक सर डेमो यहाँ दिखवाना चाहेंगे कि कैसे बनाते हैं। एक पैकेट 200 ग्राम के पैकेट में 11 बच्चों को दूध दिया जाएगा। बोले झट जाती है और किसको किसको आता है? क्या होता है? घर से गमला गमला